हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का फिफ्थ वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, तो लूप बेसिकली जो लूप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फॉर लूप एंड वाइल लूप पाइथन में दो टाइप के होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इस वाले ट्यूटोरियल में कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप बेसिकली एक एक लूप क्रिएट कर देता है, जिससे हम लोग एक एलिमेंट जो एक सीक्वेंस है उसको बार बार इटरेट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। और वाइल लूप भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं जल्दी से अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना आपको, JUPYTER, जुपिटर नोट बुक। ओके, एंटर कर लिया। अब यहाँ से आपका क्या होगा, जुपिटर नोटबुक आपके जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वहाँ पे फायर अप कर देगा ये। तो जैसा कि आप देखो, मेरा क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर है, तो यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक के इंटरफेस पे आ गया। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पाइथन 3 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लोड हो रहा है। हाँ, तो ये पूरा, हाँ, कर्नल स्टार्टिंग प्लेस, ठीक है, कर्नल भी रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे इसको अननेम को नेम कर देता हूँ फॉर लूप। ओके, सॉरी, फॉर लूप करना, फॉर लूप, एंटर। ओके, तो फॉर लूप आपको बता दे कि कोई स्टेटमेंट को आपको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो अब एक बार हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ लूप करके, ठीक है, सॉरी, फॉर लूप करके, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप का भी अलग सिंटैक्स होता है, वो फॉर लूप जैसा नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं जो पहले से ही पाइथन में डिफाइंड रहता है, उसको कहते हैं हम फॉर। ठीक है, और एक वेरिएबल जो भी आपको अपने मन से वेरिएबल बना रहे, ठीक है, फॉर वेर इन भी एक कीवर्ड है पाइथन में, पहले से ही है, इसको भी हमें यूज करना था। एक और सीक्वेंस, जो भी आपने सीक्वेंस बना रखा है, SECQUEN, ठीक है, सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे कॉलन, तो अब जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमें परफॉर्म करना है स्टेटमेंट, आप यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर लो। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आपको जो भी परफॉर्म करना। तो ये बेसिकली हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। ठीक है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश से, सॉरी, कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश से आपको कमेंट आउट कर दोगे सारा सेलेक्ट करके। अब मैं, अब दूसरे सेल में हम लोग फॉर लूप के कुछ कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के देखते हैं, तो हम लोग फॉर लूप सीख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, ए इक्वल टू स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए जो भी जितने भी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं, इन सबको इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे कि हेलो हो गया, एच अलग होगा, इज अलग होगा, डबल एल अलग, फिर एल अलग, ऐसे करके अलग अलग प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर करेक्टर है, ये सारे करेक्टर है, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, आई यूज कर सकते हो, आइटम यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सी एच यूज कर रहा हूँ, फॉर सी एच एल, ठीक है, आपको सिंटैक्स के पूरा फॉलो करना है। ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंस क्या था हमारा, ए ए हमारा सीक्वेंस जो हमने क्रिएट किया था, उसके सेमी कॉलन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एक एक वर्ड, तो हम यहाँ पे सी एच प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, हेलो एस अलग हो गया, ई ई अलग हो गया, डबल एल अलग, सारे वर्ड इंडिविजुअली प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा यूज हुआ फॉर लूप का पाइथन में पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें कोई नंबर है, ठीक है, उसमें से हमें सारे ऑड नंबर निकालने, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक है, और उसमें क्या हमें ऑड नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग रेंज फंक्शन का यूज करोगे। अभी तक मैंने रेंज क्या रहे नहीं बताया, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख जाओगे। ठीक है, उस पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर आपको सिंपली फॉर लिखना, आई एन रेंज, R A N G E, रेंज, आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, ठीक है, जाना कहाँ तक है, 10 तक। ये इसका सिंटैक्स होता है रेंज का यूज करने का, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना और कितने के स्टेप्स पे जाना है, ठीक है, 2। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 दबाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, कॉलन लगाना है ताकि इंडेंटेशन आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई, ठीक है, प्रिंट आई किया, तो देखो जितने भी 1 से लेकर 10 तक में जितने भी ऑड नंबर थे सारे प्रिंट हो गए, ठीक है, एक एक करके सारे नंबर प्रिंट हो गया। तो अब जैसे कि मुझे ये सारे नंबर को, जैसे कि मुझे सारे नंबर को उल्टे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि आप एक और फॉर लूप बना दो, फॉर एक्स कर देते हैं, एक्स एन आर एन रेंज। अब जैसे कि मुझे 10 से 0 तक जाना है ना, 10 से 0 तक जाना है, 10,0,-1, ठीक है, एक एक के गैप पे जाना, -1 करते जाना है, ठीक है, 10 से लेकर 0 तक जाना और -1 करते जाना, एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट एक्स, तो देखो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ठीक है, तो देखो छोटे बड़ा पहले हुआ, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर 1 तक आ गया। अब जैसे कि अब हम लोग कुछ हम लोग फॉर लूप लिस्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो फॉर लिस्ट मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा। लिस्ट लिस्ट एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें बहुत सारे हम फंक्शंस यूज करेंगे, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, जैसे कि बहुत सारे हम लोग लिस्ट के बारे में और देखेंगे। तो इसमें लिस्ट कैसे, आप एक बात समझो, लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बना दिया हमने, ठीक है, और हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट हमें यूज करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने ये यूज किया ओपन और क्लोज, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी डाल दो आप इसमें, जैसे कि 1 कर दो, ठीक है, इसमें आप 20 कर दो, ठीक है, इसमें आप फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि 3:32.5 कर दो, ठीक है, कॉमा, आप इसमें कोई करेक्टर भी डाल सकते हो, करेक्टर बताया था मैंने आपको डेटा टाइप में सारा जाके, आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। आप इसमें कोई स्ट्रिंग लगा सकते हो, जैसे कि इंडिया लगा दो, ठीक है, इंडिया, सॉरी इंडिया इंडिया, ठीक है। आप ऐसे लिस्ट में, लिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आपको एक ही वैल्यू का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, आप लिस्ट में काफी सारे अलग डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें इंटीजर यूज किया, 2 इंटीजर किया और एक फ्लोट किया, एक करेक्टर किया और एक स्ट्रिंग वैल्यू की, ठीक है, तो ये हमारे एक लिस्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको इसका टाइप देखना है तो आप क्या करो, सिंपली आप यहाँ पे TRINT प्रिंट कर दो, टाइप TYPE टाइप ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक क्लास किसका, लिस्ट क्लास का एक हमने लिस्ट बना दिया, ठीक है, तो ए करके हमने ए वेरिएबल में हमने एक लिस्ट असाइन कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक एक वैल्यू को प्रिंट करना है, एक एक वैल्यू पे हमें इटरेट करना है, ठीक है, तो हम इसके नाम फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे, तो हम फॉर आई, आई या आइटम कुछ भी लिख दो, आइटम इन ए, तो आप जैसे ही ये प्रिंट किया फॉर आइटम इन ए, और यहाँ पे आपको लगा देना कॉलन, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है जितने भी आइटम है सारे प्रिंट कर दो, आई टी एन आइटम, जैसे ही आपने प्रिंट किया, अगर अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, TEN आइटम, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने फॉर लूप को रन किया, तो देखो एक एक करके सारे वैल्यूज को एग्जीक्यूट करते गया, एक एक कर सब पे एग्जीक्यूट करते गया, एक एक करके, ठीक है, सब पे इटरेट कर गया। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमें एक फॉर लूप है हमारा, जैसे कि सारे इंटीजर्स का फॉर लूप है, अगर हमें उन सारे इंटीजर का सम चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 1+20 21 हो गया, उसके बाद उसमें 21 में हम 32.5 ऐड कर दिया, ऐसे 4-5 और इंटीजर वैल्यूज या फ्लोट वैल्यूज लेके हम लोग उन सबका सम करके प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ LST करके, ठीक है, LST लिस्ट। आपको कभी भी कोई वेरिएबल ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो पहले से ही पाइथन का कीवर्ड हो, क्योंकि इससे आपको प्रोग्राम में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि LST करके मैंने एक वो बना दिया, ठीक है, एक लिस्ट बना दिया जिसमें मैंने लग दिया 10,20,30,40,50,60, ठीक है, 60 तक, ठीक है,
अब जैसे कि मुझे इन सबका सम चाहिए, 10 20, 10 20 प्लस 30 और 30 30 30 60, इन सबका सम चाहिए मुझे टोटल में। तो अब मुझे वो वैल्यू जो टोटल में आएगी उसका भी एक मुझे एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक टोटल करके एक वैल्यू वेरिएबल बना देती है, TAL टोटल, इसको हम लोग जीरो के वेरिएबल से असाइन कर देते हैं। ठीक है, या आप नल भी से छोड़ सकते हो, नल टाइप नॉन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप करना है, फॉर INLST। ठीक है, LST आप करोगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलन। ठीक है, तो आपका क्या करना है, प्रिंट करना है आपको सारे वैल्यूज एक बार प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सम नहीं, तो हमने टोटल करके एक वैल्यू बनवा, TOTAL टोटल इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू टोटल, TOTA टोटल +1। अगर आपने मेरा डेटा टाइप या ऑपरेटर्स वाले वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे लिखने के बजाय आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, TOTAL टोटल प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों चीज एकदम सेम होती है। ठीक है, तो मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, जिसे जिसे जो मर्जी वो करे। जैसे कि अगर आपको ये चीज सही लग रही है वो करो, और आपको ये चीज सही लग रही है तो आप ये यूज करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आप इस फॉर लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करो, सिंपली आप यहाँ पे टोटल प्रिंट कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल TOTAL टोटल, यहाँ पे मैं टोटल को ब्रैकेट इसमें कर देता हूँ कोट में, ताकि टोटल प्रिंट हो, TOTAL टोटल इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे आपको टोटल प्रिंट कर दो, एफ स्ट्रिंग भी लगा के आप कर सकते हो, TO टोटल। ठीक है, आपको यहाँ पे रन कर दिया, यहाँ पे चेक क्यों आ रहा है, प्रिंट आई जो सारे प्रिंट हुए, टोटल सम इक्वल टोटल। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 क्यों कर दिया, जितने भी आइटम है उन सबको प्रिंट करना था ना, तो मैंने यहाँ पे आई कर दिया। ठीक है, तो देखो अब जितने भी ये सारे थे मैंने इसमें टोटल प्रिंट करा, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे आई के जगह यहाँ पे मैंने 1 कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गई थी। तो आप ऐसे अपने प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हो, आप इसमें सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि टोटल माइनस ऐसे करके आप सारे, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सारे हो गए फॉर लूप के बारे में। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आओ, फॉर लूप के बारे में आपका ग्रिप, आप और प्रैक्टिस करो इस पर, और प्रोजेक्ट बनाओ अपने। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल्स होते हैं, अभी जितने भी स्टार्टिंग के वीडियोज है, जैसे कि अभी तक जितने टोटल ट्यूटोरियल हो गए, ये सारे फंडामेंटल्स होते हैं। अभी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस टॉपिक भी जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है, वहाँ पे हम क्लास देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, मेथड देखेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय।